जब स्वर्ग में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का रूप धारण किया। महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था क्योंकि महिषासुर इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर स्वर्ग लोक पर राज करना चाहता था। जब देवताओं को इसके बारे में पता चला तो वे सभी चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और अपना क्रोध व्यक्त किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध के कारण त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उस ऊर्जा से माँ चंद्र घंटा नामक देवी अवतरित हुई। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने यश, तलवार और सिंह दिया। इसके बाद चंद्रघंटा मां ने महिषासुर का वध कर देवताओं की ओर से स्वर्ग लोक की रक्षा की। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां के इस रूप की पूजा करने से साधक को धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसे कई प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ के इस रूप को बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इनकी पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।